हिस्टोरिकली ऐतिहासिक देखा जाए तो पिछले कई सालों से जो 189 कंट्रीज की रैंकिंग करते हैं उसमें हिंदुस्तान 130-140 इस रेंज में रहा। सन 2014 में हम लोग 142 पे थे, उसके बाद पिछले दो वर्षों में 131 और 130 पे हम लोग आए हैं। और ये कोई जनरलाइज्ड रैंकिंग नहीं होती कि आपने क्या क्या कार्रवाई की अपने देश में बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की, ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में हो और उसकी बहुत ही कठिन मापदंड लेते हैं वो। और इस साल की जो रैंकिंग दी गई है उसमें पिछले वर्ष की 130 नंबर रैंकिंग से हम लोग 30 स्थान आगे आकर 100 नंबर पर आए। सो द जंप दैट इंडिया हैज मेड दिस ईयर इज अ 30-point जंप, विच इज द हाईएस्ट जंप दैट एनी कंट्री हैज मेड इन द डूइंग बिजनेस रैंकिंग। और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि हम लोग पिछले 3-4 साल से विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो 10 क्राइटेरिया हैं उनमें हर क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग सुधार करने का प्रयास करें ताकि व्यवसाय बिजनेस करना हिंदुस्तान के अंदर सरल हो जाए। इसका मूल्यांकन इतना कठिन होता है कि कई बार आप लोगों ने रिफॉर्म्स हमने कर भी लिए लेकिन उसका पूरा क्रेडिट अभी मिलता नहीं है जब तक उसका असर जमीन के ऊपर नहीं दिखता। और पहली जून हर साल की उसके लिए वो कट ऑफ मानते हैं कि पहली जून से पहले वो क्राइटेरिया स्पष्ट सामने आना चाहिए। इस साल कुछ विशेष पहलू हैं, उन्होंने कुछ देशों के नाम लिए हैं जहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, ऐसे 10 देशों के नाम लिए, बाकी देश बहुत छोटे हैं। उनमें मेजर बड़े देशों में से केवल हिंदुस्तान का नाम लिया है कि इंडिया इज वन कंट्री विच हैज बीन अंडरटेकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिस ईयर। कई क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसमें हमें सिग्निफिकेंट सुधार मिला है, जैसे प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, जो अल्पमत में इन्वेस्टर्स हैं किसी कंपनी में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। जो भी कंपनी लॉ में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, जो भी व्यवस्थाएं एनसीएलटी वगैरह की हम लोगों ने क्रिएट की हैं और जो अब सारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, वी आर नाउ रैंक्ड 4th इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा जंप हम लोगों को इस फील्ड में मिला है। क्रेडिट उपलब्ध होना, यानी बिजनेस करने के लिए जो साधन और पैसा चाहिए, क्रेडिट उपलब्ध होना, अब नाउ वी आर रैंक 29th इन द वर्ल्ड। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन हम लोगों ने हाजिर की। एक तीसरा क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलना किसी बिजनेस के लिए, या गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वी आर नाउ रैंक 29th इन द वर्ल्ड। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर माइनॉरिटी शेयर्स प्रोटेक्शन, शेयर होल्डर प्रोटेक्शन में 4th हैं, गेटिंग क्रेडिट में 29th हैं, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में 29th है, तो ये हमारी एवरेज जो कभी 142 पे थी उसको धीरे धीरे पुश करके 100 के ऊपर लाए। लेकिन सबसे बड़ा जंप हम लोगों को मिला है कि जितने भी टैक्सेशन साइड पे हम लोगों ने सुधार किए हैं, पिछले वर्ष तक 189 कंट्रीज में हम लोग 172 पे थे। यानी टैक्स देना ये एकदम बहुत ही कंबरसम व्यवस्था थी और हम काफी नीचे थे दुनिया में। दिस ईयर वी हैव मूव्ड अप 53 प्लेसेस। जो भी सारा ऑनलाइन सिस्टम बना है टैक्सेस जमा कराने का, रिटर्न्स फाइल करने का, असेसमेंट्स का, तो हम 172 से 119 पे आ गए हैं। वी हैव मूव्ड अप 53 प्लेस। और अभी इस 53 जो हम मूव किए हैं, क्योंकि पहली जून कट ऑफ डेट होती है और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी कानून तो बन गया था लेकिन उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पहली जुलाई से शुरू हुआ, तो आने वाले वर्षों में वो क्रेडिट भी इसके अंदर हम लोगों को मिलने की गुंजाइश काफी बढ़ती है। एक और फील्ड है जहां हम बहुत नीचे थे, 136 थे दुनिया में इन रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। और क्योंकि आईबीसी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड लागू हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई, इसमें भी हम लोग 33 पोजीशंस जंप किए हैं 103। ये पॉजिटिव एरियाज हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां हमने काफी काम किया है और अभी काफी काम वर्क इन प्रोग्रेस है, और उन कामों में मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 वर्षों में हमारे लिए ये जो 100 का नंबर आया है इससे और सब्सटेंशियल जंप कर पाना काफी संभव होगा। जैसे इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, हम अभी भी दुनिया में 164 पे हैं। हमने ऑलरेडी कमर्शियल कोर्ट्स एस्टैब्लिश बना दिए हैं इसके लिए, सम ऑफ देम हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग। हमने आर्बिट्रेशन एक्ट और नॉन जुडिशियल इंटरवेंशन इन द आर्बिट्रेशन
ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाया है, अब लॉ मिनिस्ट्री आर्बिट्रल सेंटर्स बना रही है देश में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को अमेंड करने की बात चल रही है टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल। ये जो सारा वर्क इन प्रोग्रेस है, इसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक एरिया है जिसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। उसी प्रकार से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिट्स अब अधिक से अधिक म्यूनिसिपैलिटीज में ऑनलाइन होना, परमिशंस की संख्या कम होना, परमिशंस जल्दी मिलना, उसका खर्चा कम होना, हम आज भी दुनिया में इस क्षेत्र में पीछे हैं। ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो लोकल लेवल पर होता है, स्टेट्स राज्यों के लेवल पर होता है, म्यूनिसिपैलिटीज आर गवर्न्ड बाय द स्टेट्स, और इसलिए वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द स्टेट्स कि एक्सपीडिशियसली म्यूनिसिपल परमिट्स कंस्ट्रक्शन के जो होते हैं उनको एक्सपीडाइट किया जाए। एक रिफॉर्म हमारा पूरा फैक्टर इन नहीं किया, स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, इसमें हम 156 पोजीशन पे हैं। अभी हमने कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन क्रिएट कर दिया है कि आपको नई कंपनी बनानी है, उसका नाम सिलेक्ट करना है, कंपनी रजिस्टर करानी है, ये सब ऑनलाइन एक दिन में होता है, दिस इज अ वन डे एक्टिविटी नाउ, और लाइसेंसिंग रिजीम है नहीं, तो यू कैन सिलेक्ट द नेम ऑफ अ कंपनी, यू कैन रजिस्टर अ कंपनी। दिस रिफॉर्म हैज नॉट फुली बीन फैक्टर्ड इन दिस रेटिंग एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर ईयर्स दे विल फैक्टर दिस इटसेल्फ। सिमिलरली विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, हमारे जितनी भी रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है वो ऑनलाइन जा रही हैं। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, कस्टम्स ट्रेड फैसिलिटेशन के तहत सारे कस्टम की फैसिलिटीज भी अब ऑनलाइन हो रही हैं, ताकि दिनों दिन लोगों को ना रुकना पड़े। तो ये तीन चार एरियाज ऐसे हैं जिसमें काफी काम हो रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, एंड आई थिंक इफ वी आर एबल टू एक्सपीडाइट द वर्क ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इन दीज एरियाज, देर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर अस टू नाउ जंप अप फ्रॉम दिस पोजिशन नंबर 100। द फैक्ट दैट इन थ्री ईयर्स फ्रॉम 142 वी हैव कम टू 100, एंड आई थिंक इन दोज एरियाज वेयर वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड देर इज अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन प्रोग्रेस, देर इज रीजन टू बिलीव दैट वी हैव अ कैपेसिटी टू फर्दर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव आवर पोजिशन। I remember in the very first year, the Prime Minister had said, our target should immediately be to take India into the first 50. I believe this is doable. And therefore, these remaining three, four areas where work has to be done, we will be pushing it with all the greater force.